नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लगातार जी बिजनेस पर। महा कवरेज जारी है। महाजीत के बाद मोदी सरकार पार्ट टू की आज नई टीम चुन ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 24 कैबिनेट मंत्रियों ने अब तक शपथ ले ली है। तो मंत्रिमंडल का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ और 24 कैबिनेट मंत्रियों ने अब तक शपथ ली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। स्वतंत्र प्रभार के रूप में अगर हम बात करें तो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो एक तरह से महारथी जो है मोदी सरकार पार्ट टू के, वो तमाम लगातार शपथ ले रहे हैं। 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है और जो भरोसा है वो पुराने चेहरों पर एक बार फिर कायम होता दिखा है। सरकार पार्ट टू की बात करें, आपको बता दें पीएम मोदी समेत 40 से ज्यादा मंत्रियों ने शपथ ली। 24 कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री उसमें शामिल हैं और उसके अलावा 24 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। दूसरी बार सरकार का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली। और जो अहम, जैसा हमने आपको बोला कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, वही भरोसेमंद चेहरे एक बार फिर कैबिनेट में शामिल हुए हैं। सदानंद गौड़ा, निर्मला सीतारमण, राम विलास पासवान, ये अहम नाम जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद और हरसिमरत कौर बादल पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है। जो अहम नाम शामिल है उसमें थावर चंद गहलोत और एस जयशंकर के अलावा रमेश पोखरियाल निशंक भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। एक तरह से कुछ नए चेहरे भी साफ तौर पर मंत्रिमंडल में नजर आते हुए। वहीं बात करें नए चेहरों की तो अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर, तो एक तरह का तालमेल इस पूरी कैबिनेट में नजर आ रहा है नए और पुराने चेहरों का। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी एक बार फिर भरोसेमंद चेहरे इस नई कैबिनेट के, मोदी सरकार पार्ट टू के। वहीं बात करें प्रहलाद जोशी की तो प्रहलाद जोशी के अलावा महेंद्र नाथ पांडे, रमेश पोखरियाल निशंक, ये तमाम नाम हैं जिन पर भरोसा जताया गया है। अरविंद सावंत, गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी वो नाम है जो कि कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। तो नए और पुराने चेहरों का एक तालमेल नजर आ रहा है। और स्वतंत्र प्रभार की अगर बात करें तो संतोष कुमार गंगवार, सब इंद्रजीत सिंह और श्रीपद नायक, ये नाम है जो कि स्वतंत्र प्रभार के रूप में उन्होंने शपथ ली। अहम नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू और प्रहलाद सिंह पटेल। जी हां, लगातार जो एक तालमेल हम देख रहे हैं इस ड्रीम टीम में वो नए और पुराने चेहरों का है। राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, इसके अलावा मनसुख मंडाविया इसमें शामिल हैं। तो जो तमाम नाम जी बिजनेस ने सबसे पहले संकेत दिए थे वो सभी नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। राज्य मंत्री के तौर पर किन्होंने शपथ ली वो देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते, अश्विनी कुमार चौबे, अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री के तौर पर इन नामों ने शपथ ली। इसके अलावा बात करें वीके सिंह, कृष्णपाल गुज्जर, दानवे साहब और ये अहम नाम शामिल रहे राज्य मंत्री के तौर पर जिन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा जी कृष्णन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, रामदास अठावले, ये भी राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली। लगातार जो अहम नाम है वो आपके सामने, साध्वी निरंजन ज्योति, बाबुल सुप्रियो और संजीव बालियान, इन्होंने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो मोदी की जो ड्रीम कैबिनेट है उसमें तमाम भरोसेमंद नाम सामने आ रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, सुरेश अंगाड़ी, उन्होंने भी शपथ ली और संजय श्यामराव ने भी शपथ ली है। तो लगातार जो हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में सामने आ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर भारत, एक तरह का एक ड्रीम समावेश यहां पर। तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम इस वक्त खत्म हो गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो कैबिनेट में चुने हुए मंत्री हैं उनसे मिलते हुए और शपथ ग्रहण, जिसमें तमाम जो नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं वो उन्होंने शपथ ली। और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंत्रिमंडल में शामिल प्रतिनिधि हैं उनसे मिलते हुए। और ये तस्वीर आप देखिए, आज राष्ट्रपति भवन की ये बिग पिक्चर बहुत कुछ बयां करती है। बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह मोदी सरकार पाटू का। और आप देख सकते हैं अमित शाह जिन्होंने पहली बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है वो तमाम साथियों से मिलते हुए, और जो अलग अलग देशों से राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं टेक्नोक्रेट्स हैं वो सभी इस वक्त प्रधानमंत्री से मिलते हुए। तो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो अहम सदस्य हैं वो सभी मिलते हुए शपथ ग्रहण। एक बार फिर आपको हम बता दें शपथ ग्रहण खत्म हो चुका है और अब जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं और लगातार तमाम सदस्य और जो गणमान्य लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलते हुए। आपको बता दें कि मोदी सरकार पाटू का जो शपथ ग्रहण है वो खत्म हो गया है और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अब लगातार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलते हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो बिम्स्टेक देशों के प्रतिनिधियों को राष्ट्राध्यक्षों को जिस तरह से एक विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया था वो सभी एक के बाद एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलते हुए। और एक तरह से शपथ ग्रहण जो समारोह रहा वो किस तरह से भव्य बना उसमें साफ तौर पर इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों की भूमिका रही, गणमान्य लोगों की भूमिका रही, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे राजनीति की तमाम बड़ी हस्तियां हो, चाहे विपक्ष की तमाम बड़े चेहरे हों, वो सभी पहुंचे। आप देख सकते हैं चाहे नेपाल भूटान तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस वक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलते हुए विशेष मेहमान विशिष्ट मेहमान के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया था। इससे पहले जब सरकार पार्ट वन की अगर हम बात करें तो उसमें सार्क देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और इस बार बिम्स्टेक देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे। आपको बता दें जो सबसे अहम बात रही, एक दिव्य समारोह भव्य समारोह साफ तौर पर नजर आया जिस तरह से हमने देखा सरकार पाटू में, जो एक तरह से ये समारोह रहा वो पूरी दुनिया ने इसे देखा और इस भव्य समारोह में शायद कोई भी ऐसा नहीं रहा जो नहीं पहुंचा। तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे, राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, गणमान्य लोग पहुंचे, बॉलीवुड बिजनेस जगत की हस्तियां पहुंची और इसी के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। और अब जो औपचारिकताएं हैं और एक तरह से शिष्टाचार जो है शपथ ग्रहण का, उसमें तमाम गणमान्य लोगों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से सीधा आप देख रहे हैं, तमाम गणमान्य लोगों से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलते हुए। मोदी कैबिनेट की जो शपथ ग्रहण समारोह है वह संपन्न हो गया है और अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए। और अपने आप में ये शपथ ग्रहण समारोह वाकई सुर्खियां बटोरेगा। जिस तरह से एक समावेश यहां नजर आया, अलग अलग जगत की तमाम हस्तियां नजर आईं, जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष थे वो अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई और इस वक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलते हुए तमाम राष्ट्राध्यक्ष, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट्स और जो तमाम गणमान्य सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा विपक्ष के नेता पहुंचे हुए हैं। गुलाम नबी आजाद को हमने देखा, राहुल गांधी को देखा, इसके अलावा हमने सोनिया गांधी को देखा। और इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद लगातार जो शिष्टाचार एक है वो निभाया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तमाम राष्ट्राध्यक्षों से और गणमान्य लोगों से मिलते हुए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए। तो एक भव्य और दिव्य समारोह की इससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकती कि हर जगत के गणमान्य लोग मौजूद थे, तमाम राष्ट्राध्यक्ष
जो थे, जिन्हें न्योता भेजा गया था, वो पहुंचे और इस वक्त सभी से मिलते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो ये शपथ ग्रहण समारोह कई मामले में खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोगों से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलते हुए। सबसे अहम बात रही कि अमित शाह पहली बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। राजनाथ सिंह ने अहम शपथ ली। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बिम्स्टेक देशों के सदस्य हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो इस वक्त एक मंच पर प्रधानमंत्री के साथ नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कुल 8,000 विशेष मेहमान इस भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और इस समारोह को भव्य बनाया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार पीएम मोदी ने शपथ ली। वीवीआईपीज हर जगत के यहां मौजूद रहे और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के साथ एक साथ खड़े हुए। आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, इसके अलावा क्विंडज गणराज्य के राष्ट्रपति सुरनबे जिनबेकोव ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरसेना, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन माइंट और इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भी समारोह में वो शामिल हुए। और इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर सभी का एक तरह से आभार प्रकट करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली और एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास उन्हें है। और इस वक्त अपनी कृतज्ञता, अपना आभार प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम औपचारिकताएं और शपथ ग्रहण संपन्न होने के बाद ये एक अहम तस्वीर